तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे ऐड एडिट और डिलीट का बटन, ऐड एडिट और का फॉर्म बना लिया था। फॉर्म भी बनाया था हम लोगों ने, और दो बटन भी ऐड किए थे डिलीट और एडिट का। और यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल भी बना लिया था, और साथ में एडिट के लिए जो डिफॉल्ट फॉर्म्स हैं उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग को काम यह है कि इसको ऐड कैसे करें फॉर्म में। अगर कुछ भी यहाँ पे हम लोग डेटा फिल करते हैं तो इसको ऐड करना होगा, और उसके साथ ही यहाँ पे डिलीट भी करना होगा। तो देखिए, अगर जनरली अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप एक सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिख के इसको आप सबमिट करा सकते हैं सेम पेज में। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग एक बिग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट हो सकता है ये, तो इसके ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना होगा। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, आप यहाँ पे ही इफ सबमिट करके यहीं से फॉर्म को लगा सकते हैं और एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं सबमिट कराने के लिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये एसक्यूएल क्वेरी इंसर्ट का, ऐड का, अपडेट का, जनरली क्रड में चार आपका होता है, जिसमें से ऐड है, व्यू है, अपडेट है और डिलीट है। तो ये चारों जो एसक्यूएल क्वेरी है ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अगर छोटा एक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ये ठीक है कि आप दो तीन पेज का बना रहे हैं तो उसमें अपने एसक्यूएल क्वेरी लिख दिया। लेकिन जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जो पेजेज हैं वो आने वाले हैं, तो यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन द सेंस कि एक तो आपका जो कोड है वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, और दूसरा जो है वो आपका होगा कि यहाँ पे बार बार आपको सेम चीज़ को बार बार पेज में लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग क्या करते हैं कि क्लास बनाते हैं, और वो क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, जैसे ऐड, अपडेट और डिलीट, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग वहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो किसी भी पेज में हम लोगों को अगर इन जनरल कोई भी चीज़ है तो उसको इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने का के लिए क्यूरी को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल एक क्लास बनाएंगे, और जैसे मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल है, ठीक है, तो इसके अंदर एक और PHP बनाएंगे जो हैंडलर डॉट PHP होगा। इसका नेम मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हैंडलर जो नेम है उससे मतलब पता चलेगा कि चलो ये मॉड्यूल के लिए हैंडलर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा फील्ड हम लोग को देना है ऐड करने के लिए, और कौन कौन सा फील्ड हम लोग को देना है अपडेट करने के लिए, और किस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग को डिलीट करना है, उसका हम लोग वहाँ पे डिटेल्स दे देंगे, और टेबल नेम भी वहाँ पे दे देंगे। और जो एक मेन टेबल, मेन PHP फाइल होगा जहाँ पे ये सारा चीज़ हैंडल होगा कि ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ठीक है, उसमें डेटा को पास करेंगे वो ऑटोमेटिक उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो एक ये जो है रियूजेबल फंक्शन होगा, जेनरिक फंक्शन होगा जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा। और एक चीज़ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा बहुत हेल्प हो जाता है, लेकिन आपके लिए फ्री है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, और एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसका नेम मैं दे देता हूँ टेबल। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज को, और इसको मैं सेव करता हूँ, और इसका मैं नेम दे देता हूँ टेबल ऑपरेटर। टेबल ऑपरेटर नहीं बल्कि ऑपरेशंस दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेबल ऑपरेशंस डॉट PHP, ओके। और चूंकि क्लास बना रहे हैं तो यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे कि PHP को पहले ओपन और क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैं PHP को ओपन और क्लोज कर रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि इस प्रोजेक्ट में अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे अभी टेबल डॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज करेंगे जो आपने शायद एक या दो बार ही पढ़ा होगा, उन सब चीज़ों का लाइफ कैसे यहाँ पे यूज किया जाएगा वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो जो भी वीडियो आएगा पेरोल के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा उसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी से, कोड क्वालिटी से हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में हर चीज़ों को देखेंगे, और एक स्ट्रक्चरल वे में इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कि जिसका यूज आप इन फ्यूचर में कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने कोई भी जैसे बिजनेस है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, किसी क्लाइंट को देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट से हम लोग इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ
क्लास बनाने के लिए आपको सिंपल क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद क्लास का नेम देना है, और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं किसी और क्लास को तो आप करा सकते हैं। और बाद में यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर देंगे जो कि क्लास के साथ उसका कुछ आर्गुमेंट्स होता है जो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अब फिलहाल कुछ को किसी भी चीज़ को एक्सटेंड नहीं कराने वाला हूँ, तो मैं जस्ट इसको रिमूव कर देता हूँ और क्लास नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जो फाइल का नेम मैंने बनाया था टेबल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये टेबल ऑपरेशन से हम लोगों ने क्लास बना लिया, एक्सटेंड का जरूरत नहीं है, तो इसको जस्ट मैंने अभी के लिए रिमूव कर दिया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग लेंगे डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो, तो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है कनेक्शन, तो उसको हम लोग लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग लेंगे टेबल का नेम कि किस टेबल में इंसर्ट कराना है। तो कंस्ट्रक्टर में जब भी कोई इस क्लास को कॉल करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि भाई तुमको दो चीज़ें देना होगा, फर्स्ट यू हैव टू गिव द कनेक्शन एंड नेक्स्ट यू हैव टू गिव द टेबल नेम। सो अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन, इफ यू हैव द कनेक्शन देन ओनली वी कैन कनेक्ट विद डेटाबेस एंड टेबल नेम फॉर इंसर्ट और डूइंग सम ऑपरेशन इन टू द टेबल। सो इसके लिए दो चीज़ें हम लोग को चाहिए यहाँ पे। तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग को इस क्लास में यूज करना है। सो फॉर दैट वी विल यूज द दिस कीवर्ड दिस एंड कौन मीन्स दिस कौन इक्वल टू कौन जो आ रहा है। ओके, नाउ सेमी कॉलन एंड कॉपी एंड पेस्ट द सेम थिंग एंड हियर विल बी टेबल नेम। So for the addition, so we will create a public class, public function add, and in this add we will take the data from files। मतलब कि यहाँ पे जो भी डेटा को ऐड करना है उस डेटा को देना होगा कि किस डेटा को आपको ऐड करना है। फॉर दैट वी विल यूज ए पैरामीटर हियर एड डेटा। ओके, सो डेटा यू नीड टू गिव हियर, इट विल टेक द डेटा एज ए पैरामीटर हियर एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉलम एंड वैल्यू। तो जब भी हम लोग डेटा को इंसर्ट कराते हैं अपने टेबल में, देन वी नीड टू थिंग, फर्स्ट इज कॉलम्स, व्हाट आर द कॉलम्स टू इंसर्ट इन टू टेबल एंड व्हाट आर द वैल्यू फॉर द कॉलम्स, राइट। सो वी नीड टू गेट द कॉलम्स एंड अब यहाँ पे कॉलम्स को यूज करने के लिए, क्योंकि कॉलम्स जो आएगा वो आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अभी स्ट्रिंग से एरे में बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम लोग को एरे में ही बनाना है। ओके, तो यहाँ पे कॉलम को गेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो हम लोग पास करेंगे यहाँ पे एरे फॉर्मेट में। देन वी नीड टू मेक दिस स्ट्रिंग बिकॉज वेन एवर वी विल क्रिएट ए क्यूरी then it should be a string, it should not be a array will not store here, so we need to give here the string only, but we are sending here in data array data only, so we need to use a function implode। to yahan pe just we need to use the implode and we know that if we want to change array to a string then we need to use the here implode, first parameter we need to pass the separator, what you want to separator here, and second parameter you need to give the array data। So actually in this data we will send the a map type of data, means the key and value type of data। So in the first we will get the key here because column will be key only। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे कॉमा देंगे एंड इस डेटा में चूंकि जो ये डेटा आएगा वो इस तरह से होगा, लाइक ये हो गया और उसके बाद ये जैसे हो गया आपका कॉलम नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी एंड हियर इट विल बी 1। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे लाइक नेम, आई एम जस्ट गिविंग हियर द एग्जाम्पल, सो नेम विल बी लाइक एडमिन एंड हियर we will give the age
ओके एंड एज विल बी लाइक 23। ओके तो जब इस टाइप का डेटा आ रहा है तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द कॉलम नेम एंड दिस इज द वैल्यू। सो दिस डेटा इफ यू आर सेंडिंग इन टू हियर इन दिस डेटा पार्ट देन इफ यू विल टेक ओनली दिस दिस नेम आई डी नेम एंड एज देन दिस इज आवर कॉलम नेम एंड दिस कॉलम नेम वी नीड टू इम्प्लोड यूजिंग इम्प्लोड टू मेक द स्ट्रिंग राइट। सो इन इन पी एच पी वी कैन यूज फॉर दिस दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग वी कैन यूज द एरे कीज एरे एरे कीज ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो भी की होगा इसमें मतलब कि ये की है आई डी नेम एंड एज एंड दिस विल बी द वैल्यू वन एडमिन एंड टू। सो इफ यू वॉन्ट टू की ओनली मीन्स द आई डी नेम एंड एज देन वी नीड टू यूज द एरे की एंड हियर वी विल पास द डेटा बिकॉज ये जो है वो आ रहा है आपका केवल डेटा में। नेक्स्ट अभी आपको पता चल गया कि कॉलम्स तो मैंने ले लिया नाउ वी नीड टू यूज द नाउ वी नीड टू टेक द वैल्यूज। सो फॉर वैल्यूज वी विल क्रिएट ए वन मोर वैल्यूएबल वैल्यूज एंड अगेन वी विल यूज द इम्प्लोड फंक्शन। ओके तो अभी आपको पता है कि जब हम लोगों ने एरे की यूज किया है यहाँ पे देन पी एच पी हैज अनदर फंक्शन कॉल्ड एरे वैल्यूज टू टेक द वैल्यू ओनली। मतलब कि ये तो एरे की अगर आप यूज करते हैं तो ये फिर आपका यहाँ पे की आ जाएगा। इफ यू आर यूजिंग द वैल्यूज देन दिस डेटा विल बी कम। सो इंस्टेड ऑफ की वी विल यूज द वैल्यूज एंड हियर डेटा विल बी सेम। सो एंड हियर वी आर यूजिंग द इम्प्लोड फंक्शन। सो इम्प्लोड फंक्शन इट विल गिव ए स्पेस हियर सो इट विल बी कम इन टू द सेपरेटर। सो इम्प्लोड इज देयर वैल्यू इज देयर कॉलम इज देयर। नाउ वी कैन राइट हियर द इंसर्ट क्यूरी बिकॉज वी हैव द कॉलम एंड वी हैव द वैल्यू नाउ। सो वी विल क्रिएट ए एसक्यूएल क्यूरी एंड वी विल राइट ए इंसर्ट क्यूरी। सो वट इज द इंसर्ट क्यूरी द इंसर्ट into the table name means which table name we want to insert table name so in table name and उसके बाद हम लोग यहाँ पे देना होता है columns। so already we have the columns here so we'll leave this columns so dollar columns and next thing we need to give here the values so we have the value also so we can pass this value here okay so now our query is good insert into table name and table name if you remember already we are taking the table name here so we are going to use this table name so already we have the table name so we'll leave this table name directly here okay so insert into this table and this column is there and this value is there okay now we need to execute this query so just we need to use this this okay this and already we have the connection also here so this con equal to query just we will run this query so query and in this query we will pass this SQL dollar SQL so this query will execute but it should be return something right so just we will use here if we are creating a function then it should be return something so directly we are give the okay till then we are good so we have created here the add function next thing we will create the update function so same function I will copy and paste here and I will change the name here so it should be it will be update instead of add it will be update and same data will pass here but one more thing in add update command we are using a where clause means kis data ko aapko insert karna hai so
अगर आप अपडेट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एसक्यूएल क्यूरी हो तो इस तरह से होता है कि अपडेट टेबल नेम एंड सेट, कौन से स्ट्रिंग को आप सेट कर रहे हैं, उसके बाद से आपको देना होता है वेयर आईडी इक्वल टू, जो भी आपको आईडी देना है। तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू टेक द आईडी ऑल्सो एज ए पैरामीटर, सो आई विल पास हियर द आईडी ऑल्सो। ओके, तो जब भी आपको अपडेट कराना होगा तो आपको दो डेटा देना होगा, एक तो डेटा देना होगा एंड नेक्स्ट वी नीड टू गिव द आईडी ऑल्सो। सो हियर द आईडी एंड लेट मी रिमूव दिस एसक्यूएल इज ओके, लेट मी रिमूव दिस पार्ट। सो नाउ आई विल रिमूव दिस, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि डॉलर सेट एक मैं फंक्शन बनाता हूँ एंड जस्ट आई नीड टू गिव द एम्प्टी एरे। यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे एक पास कर देता हूँ एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि चूंकि देखिए अब जब एसक्यूएल क्वेरी ये जो डेटा है ना ये सिंपल है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू को ले लिया और नेम को ले लिया और एज को ले लिया। अब लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ऐड का जो क्यूरी है वो कुछ इस तरह से होता है। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, अपडेट टेबल नेम एंड उसके बाद आप यहाँ पे यूज करते हैं सेट कमांड, सब कुछ आई डी सेट कमांड पर हियर क्या यूज करते हैं, एडमिन इक्वल टू और जो भी आप एडमिन को लिखते हैं एडमिन वन, राइट। उसके बाद से फिर से आप कॉमा देते हैं यहाँ पे एज इक्वल टू और जो भी आपको एज यहाँ पे पास करना है वो आप यहाँ पे एज पास करते हैं। ओके, एंड उसके बाद आप देते हैं यहाँ पे वेयर आई डी इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये जो क्यूरी है वो इस तरह से, और इंसर्ट वाले क्यूरी में क्या होता है, इंसर्ट वाले क्यूरी में जस्ट आप यहाँ पे कॉलम एंड वैल्यू दे देते हैं, तो ये सिंपल है कि आपने आई डी ले लिया और की ले लिया और पास कर दिया। बट अभी आपको जो ये डेटा है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा इस केस में, राइट। सो फॉर दिस वी नीड टू यूज ए लूप हियर, सो वी आर गोइंग टू यूज ए फॉरिच लूप, फॉरिच लूप। सो वेरिएबल वी हैव द डेटा और ये क्या करेगा, पहले की देगा उसके बाद से वैल्यू देगा, मतलब की देगा और उसके बाद वैल्यू देगा यहाँ पे। सो इट विल गिव द टू थिंग हियर, की एंड वैल्यू, एंड वी वांट दिस ओनली। सो अब यहाँ पे जो सेट वाला है, ठीक है, इस सेट को मैं नीचे यूज करता हूँ यहाँ पे सेट, और जो पहले आएगा ना इसमें सेट, और चूंकि एरे है तो एरे में मैं पास कर रहा हूँ इसको सेट, एंड हियर आई विल यूज फर्स्ट की डॉलर की ओके एंड इक्वल टू एंड आई विल पास दिस वैल्यूज या ओके वैल्यू ओनली, इट्स नॉट वैल्यूज, वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप देखिए तो ये सेम जो फॉर्मेट है ना ये सेम इस तरह का फॉर्मेट हो रहा है, राइट, की पहले है और वैल्यू बाद में है, तो सेम फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं दिस एरे, इन दिस एरे। ओके, जब ये पूरा जो डेटा है वो सेट हो जाएगा इसमें, देन हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगेन इम्प्लोड कर देंगे और इस एरे को हम लोग एक स्ट्रिंग में बना देंगे, तब ये जो पूरा सेट है वो इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो वी विल यूज हियर एंड द डॉलर सेट स्ट्रिंग इक्वल टू इम्प्लोड एंड अगेन वी नीड टू यूज द सेपरेटर एंड इट विल टेक द टू पैरामीटर, सो वील यूज द सेपरेटर एंड सेट मीन्स दिस वन दिस एरे, सो हियर इट विल कम सेट। तो अभी ये क्या हो गया कि ये स्ट्रिंग में बन गया सेट स्ट्रिंग यहाँ पे, एंड नेक्स्ट एसक्यूएल क्वेरी, अब एसक्यूएल क्वेरी को हम लोग चेंज करना होगा यहाँ पे, सो आई विल रिमूव दिस ऑल एंड हियर आई विल राइट ए क्वेरी फॉर अपडेट। सो अपडेट एंड वी हैव द टेबल नेम, सो दिस टेबल ओके एंड हियर वी लीव द सेट एंड नेक्स्ट वी हैव द डेटा सेट स्ट्रिंग, सो हियर विल पास द सेट स्ट्रिंग ओके एंड आफ्टर दैट वी विल यूज द वेयर आई डी इक्वल टू दिस आई डी, जो आई डी हम लोग यहाँ पे आ रहा है। तो आपको समझ में आया ना कि ये कैसे काम कर रहा है, जस्ट वी आर सेटिंग दिस इन की एंड वैल्यू पेयर एंड विल मेक वी आर मेकिंग हियर द स्ट्रिंग दिस एरे टू स्ट्रिंग हियर एंड जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू हियर, सो सिमिलर लाइक दिस, बट ओनली द थिंग इज वी आर चेंजिंग डेटा हियर यूजिंग फॉर इच लूप। ओके,
अभी यहाँ पे SQL क्वेरी हो गया और ये क्वेरी यहाँ पे रन करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा. ओके सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द डिलीट. ठीक है सो नेक्स्ट वी हैव द डिलीट हियर. सो सेम फंक्शन हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड पेस्ट कर देंगे. डिलीट जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी है बिकॉज यू डोंट नीड टू पास एनीथिंग लॉट्स ऑफ थिंग हियर. जस्ट वी नीड टू पास हियर आई डी. डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड सो आई डी वी कैन पास हियर एंड आई विल रिमूव दिस ऑल्सो. सो जस्ट वी नीड टू चेंज हियर द आई डी एंड वेयर क्लॉज विल बी आई डी इक्वल टू आई डी एंड हियर जस्ट डिलीट. डिलीट फ्रॉम एंड द टेबल नेम. टेबल नेम ऑलरेडी वी हैव सो दिस डॉट टेबल नेम. दिस डॉट टेबल एंड वेयर आई डी इक्वल टू आई डी. तो ये आ गया हम लोग का यहाँ पे आई डी इक्वल टू आई डी एंड अगेन ये क्वेरी रन होगा और जो रिजल्ट है वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा. अब लास्ट आता है यहाँ पे गेट. और गेट में यहाँ पे दो चीजें होती है. फर्स्ट वी वॉन्ट टू गेट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल एंड वी वॉन्ट टू गेट द सेपरेट रिकॉर्ड यूजिंग आई डी. ओके सो फर्स्ट वी विल गेट द ऑल रिकॉर्ड. सो आई एम जस्ट यूजिंग हियर द गेट. ओके जस्ट यूजिंग द गेट हियर एंड सेलेक्ट फ्रॉम. जस्ट आई विल चेंज हियर द सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल नेम. ओके एंड आई विल रिमूव दिस. सो अगर हम लोग जस्ट इसका यूज करते हैं तो हम लोग का पूरा जो रिजल्ट है वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे चाहिए कि आईडी भी चाहिए, सपोज कि अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जिसमें से कि आईडी ये हो, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे यूज करना होगा आईडी भी. सो व्हाई नॉट वी विल यूज हियर द ओनली आईडी. सो इफ आई विल गिव हियर द आईडी सो आईडी विल बी मे बी आईडी हैव द वैल्यू और मे बी इट विल बी नल. इफ यू वॉन्ट टू टेक द ऑल आईडी देन नो नीड टू गिव आईडी. ठीक है तो ये क्या हो सकता है कि नल भी हो सकता है और इसमें वैल्यू भी हो सकता है. तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं बिकॉज कि अगर आईडी में आप कुछ भी सेंड नहीं करते हो तो फिर ये यहाँ पे एरर देगा. सो इनिशियली अगर आईडी आता है तो ठीक है, मतलब वैल्यू आ रहा है आईडी के अंदर तब ठीक है, ये गेट करेगा. अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको नल कर देगा. ओके अगर वैल्यू नहीं आ रहा है तो, अगर आईडी आ रहा है तो फिर ये इसको नल नहीं करेगा. ओके एंड नाउ हियर इन एसक्यूएल क्यूरी विल चेक दिस. हम लोग इसको चेक करेंगे कि आई डी नल है कि नहीं. अगर नल है तो फिर ये जेनरिक जो सिलेक्ट क्यूरी है वो काम करेगा. अगर नल नहीं है तो फिर ये यहाँ पे काम करेगा कि वेयर क्लॉज में आई डी को डाल देगा. तो वी आर गोइंग यूज हियर द टर्सरी ऑपरेटर, टर्सरी कंडीशन ऑपरेटर. तो जैसे कि इफ एल्स हम लोग यूज करते हैं कि इफ आई डी इक्वल टू नल देन दिस क्यूरी, इफ नॉट नल देन दिस क्यूरी. सो सिमिलरली एक टर्सरी ऑपरेटर होता है जिसमें कि हम लोग इफ एल्स का यूज कर सकते हैं. तो इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए लाइक वी विल गिव हियर द आई डी. इफ आई डी इज देयर, अगर आई डी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक क्वेश्चन मार्क देना है. इफ आई डी विल रिटर्न ट्रू ओके देन दिस क्यूरी विल रन. तो अगर आईडी है ऑलरेडी तो फिर यहां पे वेयर के साथ ये वाला जो आईडी है उसको लगा दो, आईडी इक्वल टू आईडी. और अगर नहीं है, मतलब इल्स वाला कमांड अगर नहीं है तो फिर आपको यहां पे इल्स के जगह पे यहां पे आपको कोलोन लगाना है. इल्स एंड दिस क्यूरी विल कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड विल रिमूव दिस. सो अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग हियर. सो फर्स्ट थिंग इफ आई डी इज नल, इफ आई डी इज नॉट नल मीन्स आई डी इज गिविंग द ट्रू मीन्स आई डी है इसके पास, आई डी के लिए वैल्यू है देन दिस क्यूरी विल रन. और अगर आई डी नहीं है तो फिर ये क्यूरी यहाँ पे रन होगा. और अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर फॉल्स अगर इल्स में जाना है तो फिर ये कॉलोन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पे जो चारों फंक्शन है वो हम लोग का रिटर्न हो गया है. यहाँ पे चारों फंक्शन हम लोग ने सक्सेसफुली लिख लिया है. अभी हम लोग को यहाँ पे ऐड अपडेट और डिलीट के लिए कोई भी एसक्यूएल के लिए लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट वी नीड टू पास द कनेक्शन टेबल नेम एंड डेटा एंड आईडी आल्सो. इफ यू वांट टू पास द आईडी फॉर गेट एंड डिलीट एंड अपडेट सो यू हैव टू पास हियर द आईडी आल्सो. ओके एंड टिल देन वी आर गुड हियर. सो या ओके तो यहाँ तक ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट थिंग
we are going to create a handler, handler.php. तो handler.php होगा वो होगा केवल यूजर मॉड्यूल स्पेसिफिक, क्योंकि ये हर एक मॉड्यूल में इसलिए चेंज होगा क्योंकि हर एक मॉड्यूल में हर एक स्किन में जो डेटा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन इंसर्ट क्यूरी होगा वो सेम होगा, अपडेट क्यूरी होगा वो सेम होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक जेनरिक फंक्शन बना लिया, लेकिन जो डेटा है वो आपको हर एक टेबल के लिए अलग अलग डेटा हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल के अंदर एक चीज़ क्रिएट करेंगे. तो जस्ट वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर ए न्यू फाइल कॉल्ड handler.php. ओके, एंड इन handler.php विल विल ओपन एंड क्लोज द php फंक्शनलिटी. And first we need to include the config.php, means this one db config, because in the table operations we are not going to, we are not using any connection here, connection file here, we are not including any connection file here, that's why we are going to use here the, first we need to include the connection. So include and we'll give here the db config.php. तो यहाँ पे डीबी कॉन्फिग डॉट पी एच पी, लेकिन ये काम नहीं करेगा. काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम लोग अभी हैं मॉड्यूल के अंदर, यूजर्स यूजर्स के अंदर हैं, और हम लोग डायरेक्टली डीबी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्सेस नहीं होगा. तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा यूजर्स के बाहर और मॉड्यूल के बाहर, उसके बाद से हम लोग को मिलेगा यहाँ पे डीबी. तो अगर बाहर जाना है आपको, जैसे सबसे पहले मुझे यूजर्स के बाहर जाना है, तो डबल डॉट आफ्टर क्लोन आप स्लैश देंगे तो मैं चला जाऊंगा यूजर के बाहर. अब मॉड्यूल के बाहर भी जाना है तो जस्ट एक और मैं यहाँ पे दूंगा, तो फिर अभी मैं हूँ मॉड्यूल के बाहर. सिमिलरली कॉपी एंड पेस्ट दिस, एंड यहाँ पे हम लोग को इस फंक्शन, इस जो क्लास है इसको भी हम लोग को कॉपी करना होगा. तभी ये रूट के अंदर है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो यहाँ से डीबी को रिमूव कर देंगे और जो ये टेबल ऑपरेशंस वाला है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा. तो अभी हम लोग इसको भी इंक्लूड करा लिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग का इंक्लूड हो गया यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग को चाहिए यहाँ पे टेबल पे, ठीक है, बिकॉज कि handler.php में आपको टेबल नेम देना होगा, तभी ये टेबल नेम यहाँ पे हम लोग पास कर पाएंगे, इस क्लास में पास कर पाएंगे. सो जस्ट वी नीड टू गिव हियर द टेबल ऑपरेशंस, इसको मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस टेबल ऑपरेशंस का. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पे टी को एक वेरिएबल आपको क्रिएट करना होगा ऑब्जेक्ट का, उसके बाद न्यू और इस क्लास को आपको कॉल करना है टेबल ऑपरेशंस वाला. तो ऑलरेडी वी हैव इंक्लूडेड दिस, सो वी कैन इंक्लूड हियर द डायरेक्टली. और यहाँ पे चूंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाया टेबल कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हम लोग को पास करना होगा, पहला कनेक्शन डीबी का कनेक्शन, और दूसरा हम लोग को टेबल पास करना होगा. तो आपको याद है कि डीबी के कनेक्शन में हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था कौन, राइट. सो वी विल पास हियर द फर्स्ट पैरामीटर कौन, एंड सेकेंड वी विल पास द टेबल नेम. तो हम लोग के पास अभी तक जो टेबल नेम है वो है आपका यहाँ पे एडमिन ओनली. So let me open this once. MySQL is running. Okay, तो हम लोग के पास यहाँ पे केवल जो है वो एडमिन है अभी तक. So payroll. हाँ right. So we have the admin table here for now. So we are going to pass here the admin only and semicolon. Okay. अब जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो डेटा है वो आएगा handler.php में जो फाइल से, जैसे index.php हम लोग का index.php में जब भी डेटा को पुश करेंगे तो handler.php को कॉल करेगा और इसमें ये फाइल आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्शन बना लेता हूँ वेरिएबल, और जो भी डेटा इस handler.php में आएगा वो आएगा पोस्ट मेथड में. तो इक्वल टू एंड डॉलर इक्वल टू पोस्ट एक्शन, ठीक है, जिसमें ये पोस्ट एक्शन आ जाएगा, जैसे कि डॉलर पोस्ट जो भी है इसमें आ जाएगा वो डेटा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हियर, यहाँ पे अभी हम लोग को यूज करना होगा ऐड अपडेट एंड डिलीट, जो जो डेटा हम लोग को पास करना होगा वो यहाँ पे वो रहेगा, ठीक है. तो वी विल यूज हियर द स्विच केस, स्विच एंड वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका एक्शन, डॉलर एक्शन ये वाला, और एक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या है इसका एक्शन. तो अगर पहला होता है यहाँ पे ऐड, ठीक है, सिमिलरली मैं कॉपी पेस्ट इसको कर लेता हूँ नीचे भी, तो हो जाएगा ऐड, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे एडिट अपडेट एक्चुअली एंड डिलीट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा
मैं लिख के भी चलता हूँ साथ में, तो अपडेट एंड हियर इट विल बी डिलीट। एंड जो नेक्स्ट है वह है आपका आईडी। ID, so get, right? So get और add, update, delete and get। और get में एक और चीज है कि हम लोग ID भी पास कर सकते हैं, right? तो उसको हम लोग देखते हैं कि ID को भी पास करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग add वाला काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो add में हम लोग को जनरली क्या पास करना है, अगर admin के admin के लिए देखा जाए तो I'm clicking on here the structure। सो नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, स्टेटस, ये चीज हम लोग को पास करना होगा। पासवर्ड हम लोग पास नहीं करेंगे, पासवर्ड के लिए हम लोग अलग से एक फॉर्म बनाएंगे जो कि हम लोग पासवर्ड वहां पे पास करेंगे। तो अभी हम लोग को अगर पासवर्ड छोड़ देते हैं तो नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, रोल है एंड स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा का एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे एक एरे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक मैं समय को देता हूँ। तो PHP में एरे बनाने के लिए आपको बड़ा ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पास करेंगे नेम, और जो पोस्ट मेथड से आएगा जो डेटा, मतलब जो फॉर्म से डेटा आएगा वो, तो डॉलर पोस्ट और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नेम, ठीक है। और सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो नेम हो गया, यहाँ पे हो जाएगा यूजर नेम और ये हो जाएगा यूजर नेम, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे हो जाएगा ईमेल के लिए, तो ईमेल एंड यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, ओके। नाउ रोल के लिए, तो रोल हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ भी हो जाएगा रोल, ठीक है। और फिर जब नेम है तो स्टेटस भी होगा, तो स्टेटस और जो स्टेटस है वो यहाँ भी हो जाएगा। तो ये डेटा हो गया इंसर्ट करने के लिए। अभी ये डेटा जब जाएगा तो इसी डेटा का मैं बात कर रहा था, जो ये डेटा जाएगा नेम है ये आपका की और ये है आपका वैल्यू, तो यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे पास हो जाएगा ऐड में, और इसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लोड करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फ्लो कर रहा है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने डेटा तो यहाँ पे बना लिया, लेकिन इस डेटा को हम लोग को यहाँ भी पास करना होगा, मतलब ऐड वाला फंक्शन में कॉल करना होगा। तो जस्ट वी नीड टू यूज हियर डॉलर रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग गेट भी करना होगा, रिजल्ट इक्वल टू, और जो टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है टेबल ऑपरेशन, ठीक है। तो टेबल ऑपरेशन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हम लोग ने बना लिया है टेबल ऑपरेशन डॉट, और यहाँ पे देखिए तो ऐड आ जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग ऐड को यूज करने वाले हैं, तो इस फंक्शन को हम लोग यूज करने वाले हैं ऐड, और ये वाला डेटा हम लोग पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। जैसे रिजल्ट आप ले लेंगे यहाँ पे, टेबल ऑपरेशन ऑब्जेक्ट हम लोग ने बनाया है यहाँ पे इस क्लास का, और ऐड वाला फंक्शन में हम लोग को ये डेटा को पास कर देना है, तो ये चला जाएगा इसमें, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ भी हम लोग को सेम चीज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपडेट वाले में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट वाले में देखिएगा आप, तो वी हैव टू पास द टू थिंग इन अपडेट, वी हैव टू पास द टू पैरामीटर्स, सो फर्स्ट विल बी आईडी एंड सेकंड विल बी डेटा। सो आईडी भी हम लोग को पास करना है, सो वी विल यूज हियर द आईडी एंड दिस आईडी विल बी कम फ्रॉम फॉर्म, ओके। सो copy this and pass here, so it will be id, ठीक है। तो id भी हो गया, and next thing is delete। so delete में हम लोगों को ज़्यादा नहीं करना है, केवल id हम लोग को पास करना है, so we'll pass here the id only and this function, क्योंकि जो delete है केवल यहाँ पे, तो जो डिलीट है वो यहाँ पे केवल एक ही पैरामीटर पास लेगा आईडी, एंड विल चेंज दिस नेम अपडेट टू आईडी, ठीक है। तो ये हो गया ऐड के लिए, अपडेट के लिए एंड डिलीट के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट कमिंग टू गेट, गेट में भी हम लोगों को क्या पास करना है, सिर्फ आईडी ही पास करना है, क्योंकि गेट में एक तो आपका एम्प्टी हो सकता है और एक आईडी नहीं हो सकता है,
तो आईडी एम्प्टी हो सकता है या फिर इसमें वैल्यू हो सकता है। अगर एम्प्टी होता है तो सारे रिकॉर्ड को देगा, अगर एम्प्टी नहीं होता है तो फिर वो जो कम रिकॉर्ड है उसी को देगा, मतलब जो केवल आईडी के साथ जो है वही देगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि आईडी है कि नहीं है। तो अगर इसमें आईडी नहीं है, हियर वी आर चेकिंग द आईडी है नहीं है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग चेक करना है कि आईडी है तो नहीं है, अगर नहीं है तो जस्ट यहाँ पे पास विल नल। अगर यहाँ पे आईडी नहीं होता है तो वी विल गोइंग टू पास नल, जस्ट यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे नल को, रिजल्ट वाला कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देंगे आईडी 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 एंड हियर ऑल्सो आईडी एंड अपडेट में पास करना था एक और आईडी। सो क्योंकि अपडेट दो वेरिएबल ले रहा है और एडिट टेक आईडी और यहाँ भी हो गया आईडी, तो या तो नल जाएगा नहीं तो फिर वैल्यू है तो हो जाएगा। तो एंड हियर इट विल बी गेट, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे गेट के लिए हो गया, लेकिन गेट में हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है केवल इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराया है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक्चुअल जो डेटा है वो भी हम लोग को लेना होगा और वो डेटा आपको मिलता है जेसन के फॉर्मेट में, मतलब एरे के फॉर्मेट में। तो उसको गेट करने के लिए वी विल यूज हियर इफ इको इको जेसन डिकोड, चूंकि ये आपको देगा इनकोड, सॉरी इनकोड, क्योंकि इस जो हैंडलर डॉट पी एच पी उसे डेटा हम लोग लेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में ही, ठीक है। और उसके बाद से आपको पता है कि कैसे गेट करते हैं, तो जस्ट रिजल्ट, और यहाँ पे कैसे डेटा को फेच करना होता है, तो फेच फेच ऑल ऑल, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे माई एसक्यूएल एसयूजेट। ओके, तो ये हम लोग दे देगा एक्चुअल जो रिजल्ट है वो। ओके, और डिफॉल्ट में हम लोग रिजल्ट को कर देंगे नल, कि रिजल्ट में भाई कुछ आया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट पास कर देंगे फॉल्स। ओके, टिल देन वी आर गुड हियर। सो वी हैव क्रिएटेड हियर द टेबल ऑपरेशंस, वी हैव क्रिएटेड हियर द हैंडलर, इनसाइड द हैंडलर वी हैव क्रिएटेड द मल्टीपल केस एंड ऑल केस विल बी द क्रॉड हियर। नाउ हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज दिस, तो हैंडलर भी हो गया टेबल ऑपरेशन भी हो गया। नाउ वन बाय वन वी नीड टू यूज दिस गेट डिलीट अपडेट एंड एडिट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू इंडेक्स डॉट पी एच पी। अभी देखिए, अभी ये हो गया ना टेबल ऑपरेशन, आपको नेक्स्ट टाइम यू डोंट नीड टू क्रिएट द टेबल ऑपरेशन, नेक्स्ट टाइम यू डोंट नीड टू क्रिएट द हैंडलर डॉट पी एच पी एट द फुल टाइम, ओनली यू नीड टू कॉपी दिस पेज एंड ओनली यू नीड टू पास हियर द वेरिएबल दिस डेटा, दैट ओनली यू नीड टू पास। ओके, सो एवरी टाइम। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू हियर एंड वी विल यूज हियर द इंडेक्स डॉट, आई एम गोइंग हियर सॉरी इंडेक्स डॉट पी एच पी, जो के या वन थिंग वन मोर थिंग वी कैन यूज हियर फॉर डिलीट एंड अपडेट एंड ऐड वी विल यूज हियर ए स्क्रिप्ट, मीन्स ए सेपरेट जावा स्क्रिप्ट फाइल। सो आई हैव ऑलरेडी अटैच हियर द स्क्रिप्ट डॉट जेएस इन साइड जस्ट टॉप ऑफ दिस फूटर, यू हैव टू इंक्लूड दिस स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो एक यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस को आप इंक्लूड कर लीजिए और यूजर्स के अंदर ही मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंड डॉट पी एच पी। ओ सॉरी सॉरी, इट शुड बी जे एस ओनली, सो नॉट पी एच पी। तो यहाँ पे जे एस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट का जो भी काम है, मतलब जो भी एजेक्स वाला काम है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस में। ओके, और चूंकि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जे एस, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जे क्यूरी। तो जे क्यूरी को यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाई कलर इन नॉट चेंजिंग, या नाउ इज चेंजिंग टू डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड फंक्शन एंड दिस स्टार्ट एंड क्लोज। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और लेट्स चेक इट इज वर्किंग और नॉट। सो
So just you need, we can give here the hello. ओके एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ हम लोग का सिंक में है या नहीं. यहाँ पे जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे ना, सो यू नीड टू अटैच हियर दिस फाइल इन स्क्रिप्ट बिलो ऑफ दिस कंटेंट हियर एंड इफ यू रिफ्रेश हियर. ओके सो इट इज नॉट वर्किंग, नाउ इट्स वर्किंग. सो हेलो इज वर्किंग हियर मीन्स आवर जेएस इज वर्किंग हियर. सो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू ऐड हियर द एजेक्स एजेक्स पार्ट. सो फर्स्ट we are going to use here the fetch record. So I'm creating here a function, new function, function in JavaScript, function fetch record. Okay, and fetch record में I will call Ajax. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और मैं करता हूँ कि यहाँ पे तो ये हो गया फेच रिकॉर्ड के लिए और यहाँ पे एजेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं. बट वन थिंग वी कैन यूज हियर सेंड एजेक्स रिक्वेस्ट. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर ये वन मोर फंक्शन फंक्शन सेंड एजेक्स रिक्वेस्ट. ओके और ये एजेक्स रिक्वेस्ट क्या करेगा ऑल टाइम, ये क्या करेगा ना कि रिक्वेस्ट जो है एजेक्स के लिए वो यहाँ पे कॉल करते रहेगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पास करना होगा एक्शन, व्हाट एक्शन यू वांट टू परफॉर्म. नेक्स्ट यू हैव टू पास द डेटा. ओके एंड नेक्स्ट यू टू गिव द कॉल बैक. सो कॉल बैक फंक्शन ऑल्सो ये क्या करेगा, आपको जो भी रिटर्न है उसको ये रिटर्न करके दे देगा उस फंक्शन को. एंड इन दिस विल यूज द डॉलर डॉट एजेक्स Ajax. ओके एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, आपको पता है जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करना है. एंड URL, यहाँ पे URL क्या होगा, URL होगा हैंडलर डॉट पी एच पी. सो URL विल बी हैंडलर हैंडलर डॉट पी एच पी. एक चीज और है कि यहाँ पे हैंडलर का स्पेलिंग मिस्टेक है. सो हैंडलर वी नीड टू चेंज हियर द हैंडलर. ओके तो यहाँ पे हो गया हैंडलर डॉट पी एच पी, यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे. ओके नाउ कॉमा एंड हियर टाइप, टाइप विल बी पोस्ट पोस्ट कॉमा. चूंकि यहाँ पे आपको सिंगल इन्वर्टर का मैं पास करने की जरूरत नहीं है और हियर वी आर गिविंग पोस्ट बिकॉज एंड लेंडर इफ यू चेक हियर एवरीथिंग वी आर गेटिंग इन टू द पोस्ट राइट. और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्शन भी भेजना होगा कि क्या एक्शन आपको चाहिए. तो अब यहाँ पे टाइप के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेटा भी भेजते हैं कि डेटा क्या चाहिए डेटा. और डेटा में हम लोगों को क्या क्या पास करना होगा, एक्शन, बिकॉज कि हैंडलर डॉट पी एच पी सबसे पहले जो गेट करेगा वो एक्शन को यहाँ पे गेट करेगा. तो मैं यहाँ पे एक्शन एक्शन और एक्शन में मैं पास कर दूंगा ये एक्शन जो आएगा यहाँ पे एक्शन. ओके एंड कॉमा और उसके बाद से जो भी डेटा आएगा उस डेटा को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा. तो मतलब यहाँ पे कितना भी डेटा आ सकता है, मे बी 2-3 वट एवर डेटा विल बी देयर. सो ऑल डेटा यू कैन पास हियर. सो इनसाइड द एक्शन डेटा एंड डेटा विल बी देयर एंड पास हियर जस्ट डेटा. ओके एंड डेटा टाइप, चूंकि ये जो डेटा टाइप है वो किस में जाएगा, तो डेटा टाइप आई विल पास हियर जेसन. ये जो डेटा है वो जेसन में जाएगा और रिटर्न भी होगा जेसन में. ओके नेक्स्ट हियर सक्सेस, अगर सक्सेस होता है तो ये कॉल बैक कर देगा, मतलब जो जिस फंक्शन से हम लोग कॉल करेंगे उसको ये क्या करेगा रिटर्न कर देगा. सो कॉल बैक. ओके और अगर एरर होता है तो फिर ये क्या करेगा रिटर्न कर देगा. एरर तो यहीं पे हम लोग एरर को प्रिंट करा लेते हैं. तो फंक्शन ओके आई थिंक माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. फंक्शन एंड हियर विल पास द एरर और इस एरर को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे आ जाएगा
एरर कॉमा, और यहाँ पे हम लोग एरर को जस्ट प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये किसी भी टाइम में ये क्या करेगा कि इस फंक्शन को कॉल करेगा। ओके ये जो पूरा फंक्शन है सेंड एजेक्स रिक्वेस्ट, ये जब भी कोई एजेक्स रिक्वेस्ट करना होगा तो इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे और ये एजेक्स रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक इसको ये कॉल कर देगा। तो जब भी एजेक्स रिक्वेस्ट एजेक्स इसको कॉल करेगा तो फिर ये अपना ये काम करेगा यहाँ पे। ओके नाउ वी हैव द फेच रिकॉर्ड। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं फेच रिकॉर्ड के लिए। तो अभी आपको इस जो क्यूरी है, इस जो पार्ट है, इसको एजेक्स का जो पार्ट है, इसको बार बार आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आपको केवल अगर फेच करना है तो जस्ट यू नीड टू यूज हियर लाइक वी हैव क्रिएटेड हियर द फेच फंक्शन, फेच, आई एम गिविंग फेच रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेंड ये वाला जो फंक्शन है इसको आप कॉल कर लीजिए। लेट मी मेक दिस प्रोफेशनल। सो सेंड एजेक्स, सेंड एजेक्स, एंड यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या पास करना है, एक्शन। सेंड रिक्वेस्ट में एक्शन क्या चाहिए इसका, तो गेट चाहिए, और यही एक्शन यहाँ पे जब हैंडलर डॉट पीएचपी में जाता है तो यहाँ पे एक्शन काम करता है। ओके सो फर्स्ट वी नीड टू पास हियर द गेट, हम लोग को गेट करना है इसको। डेटा हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा डेटा चाहिए यहाँ पे। सो वी टू पास द गेट एंड फंक्शन, और जो भी कॉल बैक को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे तो फंक्शन, और जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स इसको ले लेंगे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके यहाँ पे मैं कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को ले लेता हूँ, दैट्स इट। तो इतना ही सिर्फ आपको काम करना है एंड योर थिंग विल वर्क हियर, शुड वर्क हियर। नाउ लेट्स चेक दिस, सो सेव दिस एंड सेव ऑल। इफ आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज, ओके एंड गोइंग टू इंडेक्स डॉट कंसोल एंड लेट्स चेक हियर, सो इट्स नॉट प्रिंटिंग आई थिंक। It's not pending because we need to call this function, right? We have created here function, but we are not calling this function. So just in the below, you have to pass this function, call this function fetch record, and let's check this. So यहाँ पे you can see this one error is coming in script.js, and instead of this clone in PHP, clone we are using in JS only, but in PHP we can't use the clone. So we need to use here equal to. Everywhere it should be equal to only, so equal to and equal to equal to is there. Okay, now let's check again. So again it's showing the error, and what is the error, it's a 12 only it is giving the error. We are parser, we are using here array, so one thing, so in table operation 38 we can see asterisk should be there, so it will give the all. So select the star from this one, and now if we are going to refresh this page, so now you can see we are getting this data. So two data we have in table and two data we are giving here, it's giving here the two, right? So two is there, one and three. Okay, so similarly like means our function is working. Now we will work with the delete facility, and so if you want to delete into the this index.php means here, so if we will check here delete is working or not. So this is button, right? And in this button if we will use this delete, so script.js is there. Okay, so similar like we need to create one more function for delete in script.js. okay, so just we need to use here the delete, function, or because we are using here the ajax, so we'll use here the directly dot, and class name we can use, or we can use directly id here, or yeah, we can use here the id only.
For ID we can use here the delete button and dot click function, and here we'll take the ID where ID equal to dollar this dot data and ID. You get here the ID, okay. And he will if यहाँ पे हम लोग उससे पूछ लेंगे एक कॉन्फर्म के क्या वो एक्चुअली इसको डिलीट करना चाहता है या बाई मिस्टेक ही डिलीट हो रहा है. तो आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू Are you sure you want to delete this record? And question mark, okay. और यहाँ पे will check. अगर ये true होता है ठीक है तो send ajax will call this send ajax. And यहाँ पे हम लोग pass कर देंगे action delete. And here we can pass here the ID. So ID, okay, and next the callback function this phones and this, okay. Yeah, that's okay. Hold it. And here if you check the response dot success. Success, then we'll print here the alert. Record. Deleted successfully. Successfully. Okay. And in else part we'll give this fail to delete record. ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने डिलीट के लिए बना लिया वेर आई डी इक्वल टू एक. लेट मी चेक वंस आई डी व्हाट द आई डी इज कमिंग हियर. सो here if we pass the id and delete button is there na? So and going to index.php and delete button is there. So here I will give the id equal to delete. Now let's check. If I'm clicking on here ID, oh sorry, clicking on here, so it is showing the undefined, and here it is showing I sure want to delete, so it will not record delete because the ID is not getting here. Any there na? Okay, let me check here the ID only, and so it is not calling here because I am taking here the data, right? I am taking here the ID. But this ID I haven't assigned anywhere in this index.php. I haven't assigned this ID. That's why it is not giving any ID here. So if you want to assign here the ID, then we need to use here the data ID equal to means data. में हम लोग यहाँ पे pass कर रहे हैं एक HTML का attribute we have created here data, and in this data I am passing the ID here. और यहाँ पे हम लोग ID को pass कर देंगे. ओके और यहाँ पे नेम की जगह पे हो जाएगा आईडी. ओके एंड नाउ आई विल रिफ्रेश दिस पेज एंड इफ आई एम क्लिकिंग दिस यू कैन सी दिस आईडी इज गिविंग कैंसिल एंड इफ आई एम क्लोजिंग दिस ओके कैंसिल या ओके.
Now what I can do, I will remove this and let's check to delete one record. Okay, I'm deleting this record, three wall apart, and delete. So it's again giving some error, and what is the error? Let's check this error. Okay, status is showing here okay, but it is showing the error, and data is also deleted from this. Can return result here, but directly we can return result directly here. So echo and JSON in code, and if everything is okay, then here it will be success. Success, and inside we'll pass this result. So here what we are doing here in the handler.php हम लोग इसको echo करा रहे हैं switch statement के अंदर, जो कि इसलिए ये return नहीं कर रहा है. तो हम लोग को इसको switch statement के बाहर यहाँ पे हम लोग इसको return कराना है. यहाँ पे हम लोग को just इसको echo कराना है. Okay, now if we refresh this page, तो अब देखते हैं यहाँ पे मैं इसको delete करता हूँ. Record deleted successfully. Okay, और पेज रिलोड हो गया. और अगेन मैं जब इसको डिलीट करूँगा तब देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली. ओके, तो अभी हम लोग का जो डिलीट फंसिलिटी है यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे काम करने लग रहा है. ओके, सो नाउ यू कैन सी इट्स डिलीटिंग. ओके, एंड आवर स्ट्रक्चर इज द वेरी सिंपल, सो नो नीड टू राइट द अगेन द क्यूरीज, एंड हियर इट विल वर्क एवरी टाइम. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिलीट कराया, हम लोगों ने फेच कराया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ऐड कराएंगे रिकॉर्ड को, और अपडेट भी हम लोग कराएंगे. ऐड कराने के लिए भी आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि जो ऐड है ऐड फैसिलिटी उसको आपको यूज करना है, और उसके बाद ही ऑटोमेटिक इसको ले जाके डीबी में ऐड कर देगा. तो जस्ट यू नीड टू कॉल द ऐड फंक्शन एंड द फॉर्मेट विल बी देयर, सो इट विल बी ऐड. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे हमको कमेंट करके बताएं, या फिर डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.